खबर शाम करते हैं सियालकोट से। ख्वाजा इमाम की रिपोर्ट के मुताबिक ऊंची दुकानें फीके पकवान। सियालकोट के मशहूर नाम पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में आ गए। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जवेद ने कश्मीर रोड सियालकोट में ग्रैंड ऑपरेशन किया है, जिसमें मरूफ होटल और स्वीट्स एंड बेकरी प्रोडक्शन यूनिट को 3 लाख रुपये जुर्माना आयद किया और 900 लीटर दूध, 1 मंथ से जायद तैयार मिक्सचर और दीगर अज्जा मौका पर ही तल्फ कर दिए। तफसीलात के मुताबिक प्रोडक्शन एरिया में जिंदा काक्रोच और चूहों के फजलात मौजूद पाए गए। इंतहाई नाकी स्टोरेज और प्रोडक्शन एरिया में सफाई ना होने पर भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। गंदा वॉशिंग एरिया और जंग आलूद गंदे बर्तनों का इस्तेमाल किया जा रहा था। दुकानों और गाड़ियों की चेकिंग गैर मयारी और मिलावटी 900 लीटर दूध भी तलब कर दिया। आसिम जवेद ने कहा है कि जायतुल मयात नाकिस अशिया खुर्दनोश की फरोख्त करने वाले कारोबार बंद कर दिए जाएंगे। शाहराहों और चौक चौराहों में मौजूद फूड प्वाइंट की चेकिंग रोजाना की बुनियाद पर की जा रही है। नाकिस गैर मयारी अशिया खुर्दनोश का इस्तेमाल मुतअद्दिद बीमारियों का बाइस बन सकता है। पंजाब के वासियों तक मयारी खुराक की यकीनी फराहमी के लिए मुसलसल कार्रवाइयां जारी हैं। खुराक के मयार को बेहतर करने के लिए बैन अल्कवामी मयार के मुताबिक काम किया जा रहा है। जालसाजी करने वाले मुआशरे का नासूर हैं, जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे।